बार क्रूड से कर लेते हैं। मैं हमेशा बड़ी चीजों को साथ लेके चलने की कोशिश करता हूँ। अगेन आप देख सकते हैं क्रूड का ये हाल है, क्रूड में हमने इंडियन क्रूड ही लिया है। अब यूएस क्रूड लेंगे तो आप बोलोगे कि मैं तो इंडिया में ट्रेड करता हूँ जी। क्रूड एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है हमारे कंट्री के लिए। आपके घर के किचन का प्राइस, आपकी लाइफ, हमारी लाइफ, हम सब की लाइफ क्रूड पे काफी डिपेंडेंट है। आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। खासकर अगर आप डे ट्रेडर हैं तो क्रूड में आजकल ऑप्शन के माध्यम से भी आप पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सही समझा। हर आदमी सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी पे नजर गड़ाए बैठा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज स्टिल देयर आर मेनी ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज वे बियॉन्ड बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। सो वन शुड बी वेरी मच ओपन माइंडेड। आप ब्रॉड माइंडेड बनिए रादर देन बीइंग ओनली कंजर्वेटिव एंड प्रिसेसिव अबाउट ट्रेडिंग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट्स ओपन योर सेल्फ। स्ट्रेटेजी तो ऑप्शन की सेम ही लगनी है। अगर वहां पे हम आयरन कॉन्डोर बना रहे हैं, अगर वहां पे हम हेजिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ जी एक ही बार में आप नेकेड ट्रेडिंग कीजिए, आप अपने पैसे को डुबाइए, बड़ा रिस्क लीजिए। हाँ, क्रूड में वॉलेटिलिटी ज्यादा रहती है, खास क्योंकि क्रूड एक ग्लोबल कॉमोडिटी प्रोडक्ट है। पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, लंदन ले लीजिए, हर जगह, इंडिया ले लीजिए, हर कंट्री के लिए क्रूड इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। आइए एक बार क्रूड का एनालिसिस करते हैं। मंथली चार्ट है मेरे दोस्तों क्रूड का। तो पहले मैं फिर से क्या कहा, डेली से शुरुआत करते हैं। मेरी बात आप सब नोट करते चलें। कोई भी एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज का, बीट एनीथिंग। मैं तो यहाँ बिटकॉइन की भी बात कर सकता हूँ आपके सामने। एनीथिंग जो इस धरती पे है और जो ट्रेड हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रादर देन बींग वन वे, रादर देन बींग कॉन्सेप्चुअली वी हैव टू बी ओके। हमें मतलब कॉन्सेप्चुअली ओके होना है। एंड व्हाई आई एम वरीड स्लाइटली इज हाउ एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूटिलाइज आवर इंफॉर्मेशन। तो आप देख सकते हैं मैंने क्रूड का आपके सामने लगा लिया है। ये क्रूड की पूरी पटकथा है, हाउ क्रूड स्टार्टेड फ्रॉम द लो ऑफ 4,500 एंड वेंट टू 9,000, ऑलमोस्ट 10,000 जा चुका था क्रूड, और फिर वहां से क्रूड वापस आया। कैसे क्रूड अब वहां से फिर 30% करेक्ट भी हो गया। 10,000 से अगर आप देखेंगे तो अभी हम लोग 7,000 चल रहे हैं। 30% करेक्शन है क्रूड में टॉप से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हाउ एंड कैन, आपको अभी लिवलीहुड की बात कर रहा हूँ, डेली ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइवलीहुड की बात कर रहा हूँ कि हाउ एंड कैन गेट एडवांटेज फ्रॉम क्रूड एंड हाउ एंड कैन मेक सम मनी यूजिंग क्रूड। मैं फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बींग अ प्रो ट्रेडर। दिस एजुकेशनल सीरीज इज नॉट टू मेक यू अ प्रो ट्रेडर। दिस एजुकेशनल सीरीज इज टू मेक यू अ हैप्पी, सेटिस्फाइड एंड नॉलेजेबल ट्रेडर। दैट्स इट। अगेन, हाउ यू कैन यूज योर पार्ट टाइम टू जनरेट सम इनकम कैन बी लर्न वाया दिस। तो बस यही अपना कॉन्सेप्ट है। बिकॉज यू ऑल्सो नो इफ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर देन देन यू कैन जनरेट लाइवलीहुड फ्रॉम इट। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि बॉस मैं मतलब कम ऑन, मतलब यू कांट बिकम सो, यू हैव टू बिकॉज इट्स नॉट सो इजी। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू बिकम, यू हैव टू बी वेरी मच मतलब केयरफुल विथ रिस्पेक्ट टू योर पोजिशनिंग, यू विथ रिस्पेक्ट टू योर एनीथिंग, वट एवर यू कैन कॉल इट। ठीक है, तो एक हमने यहाँ डेली चार्ट लगाया है। आज की हम अपनी सिर्फ नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। डेली चार्ट में एक और पैरेलल चैनल बनाते की कोशिश करते हैं। सारे हाईज को मिलाइए, आप देखिए फॉलिंग चैनल में है, सारे हाईज को मिलाइए। ये देखिए, अगर मैं गलत होता हूं तो आप मेरे को रोक सकते हैं। ये देखिए, और नीचे की तरफ ले सकते हैं। तो ये रहा कुछ क्रूड का स्ट्रक्चर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज सो पावरफुल, सो पावरफुल दैट इट कैन हेल्प यू। बट समटाइम्स समटाइम्स इसमें भी मैनिपुलेशन हो सकता है। समटाइम इसमें भी आपको मीडियम टर्म में, शॉर्ट टर्म में नुकसान हो सकता है। बट लॉन्ग टर्म में लोग कहते हैं कि फंडामेंटल, टेक्नो फंडामेंटल इज अ किलिंग स्टोरी। आज राकेश झुंझुनवाला जी हमारे बीच नहीं रहे, बट यू नो बहुत कम लोगों को पता है उन्होंने अपनी करियर में स्टार्टिंग में और इवन अंत तक अपना जो बड़ा इनकम कमाया है ना, शेयर खरीद के नहीं बेच के कमाया है। ये बात मैं आपको ओपनली कह रहा हूं और ये बात बहुत जरूरी है कि आप समझें। ऐसा नहीं है साहब कि आपको यू हैव टू लर्न ऑल दोस थिंग्स। तो
दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये वाला जब आप चैनल लगाओगे क्रूड ऑयल में, तो अभी आपको दिख रहा है थी जेट टू टच दिस लेवल, तो मुझे लगता है 7400 का कॉल ऑप्शन, देखिए 7400 तक क्रूड ऑयल जा सकता है, तो मैं भी आपके सामने एक ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, आई मे गोट रॉन्ग, मेरे को हो सकता है बहुत बड़ा लॉस हो जाए अभी। आई एम नॉट वरीड अबाउट लॉस एंड प्रॉफिट माई डियर फ्रेंड्स, वॉट आई एम वरीड अबाउट, तो हो सकता है मैं कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ क्रूड की 70, मैं भी क्या करूंगा ना, एक क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट बाई करता हूँ, तो मेरे पास चार्ट यहाँ पे खुल चुका है, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड लेता हूँ। तो ये देखिए क्रूड ऑयल अभी मुझे क्या बुलिश लग रहा है, मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल यहाँ तक जाएगा 7455, या मैं 7400 तक जाने की संभावना रखता हूँ, तो मैं 7200 का कॉल ऑप्शन देखता हूँ क्रूड में कितने का मिल रहा है। ये देखिए अभी थोड़ा प्रीमियम ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि आपको ही पता है, तो मैं एक लॉट लेने की कोशिश करता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ मुझे नहीं पता मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं पता, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम सिंपली एनालाइजिंग द ट्रेंड एंड गोइंग टू बाय इट आपके सामने। मेरे अकाउंट में थोड़ा सा पैसा है तो मैं आपके सामने ट्रेड लगाऊंगा, एंड दिस विल मेक अ प्रो ट्रेडर। जैसा मैंने सेशन में कहा है, आपको प्रो ट्रेडिंग सीखनी है, आपको बड़ा ट्रेडर बनना है तो प्रो ट्रेडर बनना है, एंड प्रो ट्रेडर विल ऑलवेज बी अ ट्रेडर हु विल बी कंसाइजली मेकिंग हिज और हर पोजिशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ हिज कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैंने ऑर्डर प्रेस कर दिया है, भी एग्जीक्यूट होगा तो आपके सामने मैंने 388 लगाया है, माइंड भी मेरा हो गया एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया है और मैं इसका टारगेट लगा देता हूँ अभी आपके सामने, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा, आई थिंक कितना लगा दूँ, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 409 लगा देता हूँ डे हाई पे। मेरे को लगता है ज्ञान की ज्ञान, मतलब इसका मतलब समझ में आए आपको मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप राइट हो तो पैसा कमा के जाओ, अगर आप रॉन्ग हो तो आपको मिनिमम लॉस करना है। देखिए राइट और रॉन्ग तो हो सकता है, एवरी डे वी कैन बिकम राइट और रॉन्ग एनी टाइम, मतलब हो सकता है कि एनी टाइम, बट एक ट्रेडर अगर रॉन्ग होता है तो आपको अपना अकाउंट वाइप अप नहीं करना है, मतलब कि मेरा आपका मेरा अकाउंट ही वाइप आउट हो गया, तो ये एक डायरेक्शन वो है। वीकली चार्ट का भी एक बार हम पैरेलल चैनल ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ तक जा सकता है ये वाला जो है ना 7500 तक जाने की कोशिश करेगा, 7535 तक जाएगा। मेरी कोशिश क्या है ना, देखिए कभी भी मैं जो पोजीशन बनाता हूँ यहाँ तक जा सकता है क्रूड ऑयल, आप देखिए ये वीकली चार्ट है और एक अच्छी मतलब ट्रेंड रिवर्सल यहाँ पे आपको दिख रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ आपको पैसा उतना ही लगाइए जितना आप डाइजेस्ट करने की क्षमता हो लॉस, अगर आपके पास लॉस डाइजेस्ट करने का पावर नहीं है तो आप कम पैसे लगाइए, लेकिन और कमोडिटी ट्रेडिंग में भी आप शुरुआत करना चाहें ऑप्शंस के माध्यम से तो 50,000 रुपीज से आप कर सकते हैं, 50,000 रुपीज इज एनफ टू स्टार्ट इन कमोडिटी, बट वहां सिर्फ आप नेकेड ट्रेडिंग करेंगे, नेकेड ट्रेडिंग मतलब आप बाई करेंगे आप सेल करेंगे, आपका प्रॉफिट भी लिमिटेड होगा आपका लॉस भी लिमिटेड होगा, अब ऐसा नहीं कि आप बाई करके बैठे हुए हैं और मार्केट उल्टा पे उल्टा चल रहा है और आपका लॉस हो रहा है। तो ये देख सकते हैं मेरे सामने क्रूड ऑयल का मैंने चार्ट लगा रखा है, ये देखिए यहाँ पे अभी, और एक बार मैं मंथली भी लगा देता हूँ, तो हमेशा तीनों एस्पेक्ट देखिए, मंथली में थोड़ा मुश्किल है कह पाना, तो मंथली में हम इंडिकेटर्स को दूसरे वे में लगाते हैं, मंथली में क्या होता है पैरेलल चैनल को इस डायरेक्शन से ड्रॉ करिएगा तो आपको अफर्मेशन मिलेगा। ये देखिए मंथली के हिसाब से तो बहुत अच्छा बॉटम फॉर्मेशन हुआ है और यहाँ से वन वे रैली दे सकता है। मैं फिर से कहूँगा अगर आप मंथली चैनल को लगाते हैं ना तो आपके लिए बहुत सारे विकल्प खुलेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ हाई और लोज को मिला के एक नेक फॉर्मेशन, एक बॉटल नेक फॉर्मेशन को क्रिएट किया और उस फॉर्मेशन के माध्यम से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया। मेरे को अपने ट्रेड के को दिन भर नहीं देखना है राइट है कि रॉन्ग है, मेरे को अपने चार्ट पे फोकस करना है। आप में पता है गलती क्या करते हैं सब सारे ट्रेडर, अगर आप में से कोई वो गलती करता है तो प्लीज कमेंट करके बताएगा मुझे, आप लोग ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट लॉस देखते हैं, मैं कभी नहीं, मैं पहले देखता था बंद कर चुका हूं,
प्रॉफिट लॉस एक टाइम तक आपका माइंड बाइस्ड कर देता है। आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए? चार्ट पे। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं, बैंक निफ्टी मैनिपुलेट हो सकता है क्योंकि दो ही बैंक पूरा कंट्रोल करता है। निफ्टी थोड़ा मतलब वोलेटाइल कम है क्योंकि क्या उसका मैनिपुलेशन इजी नहीं है, बट ग्लोबल कॉमोडिटी जैसे क्रूड है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसका मैं डॉलर है जो प्योर ट्रेडिंग होता है जिसका, डॉलर की ट्रेडिंग आपको पता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा होती है, आपको मैंने पहले भी बता रखा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक ग्लोबल एसेट में आप ट्रेड करते हैं ना, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है, देखिए कितना थम्स अप दीजिए, तो मैं क्या कह रहा हूं, बट इसके लिए कितना रिस्क पे है। मैंने 300 रुपये भी प्रीमियम पे किया तो 300 × 100 30,000 रुपये मेरा रिस्क पे है, वो भी मेरे पास अभी 1 महीने का टाइम है। क्रूड की एक्सपायरी 15 को होती है हर महीने, उसके लिए भी आप एमसीएक्स की साइट ढूंढ सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने एमसीएक्स लगा दिया। थोड़ा सा क्या है ना, आप लोगों में एक एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि कभी भी मार्केट में जब ट्रेड करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मार्केट की छुट्टी कब है। कई सारे लोगों को मार्केट में यही नहीं पता छुट्टी कब है। हवा में ट्रेडिंग मत कीजिए, हवा में ट्रेडिंग मत कीजिए। देखिए क्रूड ऑयल का मैंने आपके सामने लगा रखा है, देखिए इसकी 19 सितंबर को एक्सपायरी है। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, आपके सामने सारा डेटा अवेलेबल है। अभी जो नए व्यापारी हैं, जैसे आप नए इन बिजनेस करते हैं, तो आप किसी की हेल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कमेंट करके बताइए। लेते हैं ना, अपने फादर, सबसे पहले गार्जियन फैमिली के फादर या मदर या ब्रदर जो आपके सीनियर है घर में, या कोई अंकल, उसके बाद आप किसी मेंटोर को ढूंढते हैं। अगर आपके फादर को बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, आप एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, आपके घर में किसी को कुछ आइडिया नहीं, तो आप क्या करते हैं, मार्केट में किसी एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, फिर उनके डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। सही गलत होना देखिए सर किसी के भी हाथ में नहीं होता है। जैसे मार्केट अभी वन वे अप पे अप जा, आपने भी मेरे वीडियोस देखे हैं, यू कैन सिंपली अप्लाई दिस टू योर चार्ट एज वेल। ये देखिए कितना अच्छा सपोर्ट ले रहा है, जस्ट लुक एट द पावर ऑफ चैनल्स। मैं चैनल बॉक्स ट्रेडिंग इन सब के ऊपर बहुत सेपरेट और हैवी कंटेंट लेके आ रहा हूं। हर वीडियो को ध्यान से वॉच करें और उसको सीखें। घबराना नहीं है कि मैंने ट्रेड ले लिया जी मेरा पोजिशन नीचे आ रहा है, जब तक आपका अंडरस्टैंडिंग सही है ना मार्केट में, आपको मार्केट से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हैं, टिप्स ले रहे हैं टेलीग्राम चैनल से, न्यूज इधर उधर से, तो फिर गए काम से, ठीक है ना। चैनल बनाते हैं और चैनल का वेट करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, चैनल में गो अप एंड चैनल में गो डाउन, अगर ये कंटिन्यूअस इसके नीचे ट्रेड करेगा हम एग्जिट कर लेंगे। आप देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड बन रहा है यहाँ से, मतलब मैं तो 15 मिनट के चार्ट को लगा साफ कह सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो और आज का सेशन आपके स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग को